करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं। हासी से भाजपा के विधायक विनोद भाणा के आवास पर पहुंची है। हम बता दें आपको कि एक आम आदमी पार्टी के नेता है मनोज राठी, वो लगातार हासी के विधायक भाणा के ऊपर लॉकडाउन तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। आज उन्होंने सिटी थाने में शिकायत भी दी है। उन्होंने कहा है कि विनोद भाणा ने नगर परिषद में पहुँच कर वहाँ लॉकडाउन का उल्लंघन किया है, भीड़ जुटाई है। उस सिलसिले में हम भाणा जी से बात करेंगे कि आखिर क्या मामला है। भाणा जी मौके पर मौजूद थे। भाणा साहब, क्या मामला था ये लॉकडाउन का उल्लंघन का आप आरोप लगाया? ऐसा है ललित जी, ये आरोप प्रत्यारोप लगाना ये एक आम रूटीन की बात है। कई आदमी ऐसे हैं जो रात को सोते हैं तो विनोद भाणा को याद करके सोते हैं, सुबह उठते हैं फिर उनके दिमाग में विनोद भाणा होता है तो विनोद भाणा को याद करके सोते हैं, सुबह उठते हैं फिर उनके दिमाग में विनोद भाणा होता है। मैं कहता हूं भगवान इनकी लंबी उम्र करे और ये यूं ही मेरे ख़िलाफ़ बोलते रहें, मेरे हक में बोलते रहें, भगवान इनका भला करे। तो कहने के लगता है मैंने साहब कल लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ है, कल मौके पर थे आप, कहीं फोटो वायरल भी हुआ है, वीडियो वायरल हुई है कि आप वहाँ थे, कर्मचारी को वहाँ सेवानियुक्त हुए हैं वहाँ, आपने मौके पर क्या किया? ऐसा है, कहीं लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं हुआ, पूरी डिस्टेंसिंग बना रखी थी, सोशल डिस्टेंसिंग थी। और जब कोई प्रोग्राम होता है, मान लो किसी की रिटायरमेंट है और मैं उसको कोई लोई उड़वा रहा हूँ, तो निश्चित तौर पे उसके ज़्यादा से ज़्यादा एक फुट दूर होऊंगा और वो फ़ोटो नज़र आएगी जब आपको, आप यूँ आपको सटा हुआ मिलेगा आदमी। तो हमने स्पेशल वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दिया, सबके मुंह पे मास्क लगे हुए थे, कहीं कोई लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं हुआ। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, जो लोग सुबह उठते ही विनोद भाणा को याद करते हैं, शाम को सोती दफ़ा विनोद भाणा को याद करते। राठी साहब, आप थाने में क्या करने आए थे आज? ऐसे है, थाने में पहले भी आया था। हांसी के विधायक जो है बार बार लॉकडाउन तोड़ने का काम करता है। एक तरफ तो पूरी हांसी की जनता परेशान है, जो लोग दुकानदार हैं वो परेशान है, दुकानें नहीं खोलने लग रहे बेचारे परेशान है, मजदूर वर्ग परेशान है, मध्यम वर्ग परेशान है। एक तरफ हांसी का विधायक पार्टी करने लग रहा है, एक कोई कर्मचारी नगर परिषद से रिटायर हुआ है तो उसकी पार्टी करी है विधायक ने वहां जाके। देखो, एक तो पार्टियां करता फिरे है और एक आप देख लो लोग परेशान है। अरे आम आदमी तो लॉकडाउन का पालन करने लग रहे हैं और एक विधायक सरेआम लॉकडाउन का उल्लंघन करने लग रहा है। एक देश में दो कानून, एक हांसी में दो कानून। विधायक ने कई बार लॉकडाउन का उल्लंघन करा है लेकिन हांसी पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, ये देख लो। इसका मतलब तो ये है भी कानून अलग अलग है, अमीर आदमियों के लिए, वीआईपी आदमियों के लिए, नेताओं के लिए तो अलग से कानून है और आम जनता के लिए अलग से कानून है। ये तो बड़ी गलत बात है। या तो ये कहना शुरू कर दें कि सबके लिए कानून अलग अलग है, या फिर कानून को बराबर माने और विधायक पक्ष में मुकदमा दर्ज करके अपना विश्वास कायम करें। कैसे पता चला कि विधायक ने लॉकडाउन तोड़ा है? पूरे शहर ने बेरा भाई, मन्ना नहीं, अखबार में आई हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया ने खबर छाप दी पहले, यार पुलिस ने नॉलेज नहीं है, पुलिस किसी की शिकायत की बाट देखे। और आम लोग जो है विधायक से सरकार से डरते हैं, इनके खिलाफ क्यों शिकायत देवा, और बिना शिकायत दिए पुलिस काम निकल रही। मैं तो मान लूंगी शिकायत देने के बाद भी काम कर दे तो बड़ी बात है।